अगर मेरे भाइयों आप भी चाहते हो अपने मोबाइल में लेटेस्ट ऑफिशियल तरीके से पाई का अपडेट, मतलब कि अपने सैमसंग गैलेक्सी जेड मैक्स में अगर आप पाई का अपडेट चाहते हो, आप सोचते हो कि यार हमारे फोन में पाई का अपडेट आ जाए तो मजा आ जाए। आज की वीडियो उसी के ऊपर है कि आप कैसे अपने फोन में पाई अपडेट ला सकते हैं जल्दी जल्दी। अब जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको आगे समझाता हूँ। आपका काम यह है इस वीडियो कंटिन्यू रखना, कहीं से स्किप मत करना। हे व्हाट्सएप गाइस, मेरा नाम नितिन एंड आप देख रहे हैं मिस्टर नितिन टेक चैनल। आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि हम सब मिलके, मतलब कि एकता में एक बहुत ज़्यादा बल होता है, अगर हम ये सब मिल जाएं तो शायद हम बहुत जल्दी, और मतलब जल्दी तो है ही, और मतलब जो चांस खत्म होते जा रहे हैं सैमसंग ग्रेजुएशन मैक्स को पाई का अपडेट मिलने के, उन चांसेस को जिंदा कर सकते हैं। तो यार वीडियो कंटिन्यू किया एंड बात करते हैं इसी टॉपिक पे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले आप लोगों से सॉरी, मेरी वीडियोस कंटिन्यू नहीं आ रही हैं तो उसके लिए दिल से माफी, बट आगे से कंटिन्यू वीडियोस अपलोड होंगी। तो गाइस हम थे अपने सैमसंग ग्रेजुएशन मैक्स के पाई अपडेट को लेकर। आप थोड़ी मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, अगर आप थोड़ा माइंड लगाओगे थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो शायद आप इस बात को समझ पाओगे जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बात अब ये है, आपने देखा होगा मेरी कुछ दो तीन वीडियो ऐसी आई हुई हैं जिसमें मैंने सैमसंग वाले से चैट किया है एंड एक में कॉल भी किए थे। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखी हैं अभी तक नहीं देखी हैं तो आप उनको देख सकते हैं मैंने कैसे बात की थी और उनको क्या आंसर आया था सैमसंग ग्रेजुएशन मैक्स के पाई अपडेट को लेकर, तो आपको आई कार्ड लिंक मिल जाएगा, आप उनको वॉच कर सकते हैं। अब इस वीडियो को बनाने का मोटिव ये है, आप मेरी बात को थोड़ा ध्यान सुनना, स्किप मत करना वीडियो, प्लीज स्किप मत करना, यही मेन जो चीज़ है वो यहीं पे। बात यह है, अब हम लोग बात करते हैं सैमसंग वालों से, मैं बात करता हूँ, हमारे जो तीन चार यूट्यूबर्स हैं और मतलब कि 8-10 लोग हैं जो बात करते होंगे, मतलब जो यूट्यूबर्स हैं ना वही बात करते होंगे, और एक आज जो वैसा हुआ है जो यूट्यूबर नहीं है नॉर्मल बंदा वो कर लेता होगा बहुत ही कम संख्या में, बट सब लोग नहीं कर पाते। बहुत से लोग सोचते हैं कि शायद बात कर भी नहीं सकते, बट ऐसा कुछ नहीं है, हर कोई बात कर सकता है करना चाहे तो। अब आप सोच रहे हो हम बात कैसे करेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, आपको बात कैसे करनी है बहुत ईजी है, तो अभी उसको भूल जाइए कैसे बात करनी है, आपको बताऊंगा। तो बात ये है, हम वो लोग बात करते हैं बट आप लोग कुछ नहीं करते, आप लोग हमारी वीडियो देखते हो जो हम बताते हैं और सुन लेते हो, बस बात खत्म। अब बात ये, आपको भी कुछ करना पड़ेगा, अगर आपको पाई का अपडेट चाहिए तो आपको कुछ करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, जैसे हम लोग बात करते हैं ना आपको बात करनी पड़ेगी। अब बात मैं पहले कहा, मैं आगे बताऊँ कैसे बात करनी है, तो उसको भूल जाइए दोबारा कह रहा हूँ। अब बात सुनिए, अगर हम यार मतलब मैं अकेला कहूँगा, मतलब हम तीन चार लोग हैं, हम अगर किसी चीज़ के लिए कहते हैं कि यार ये चीज़ ठीक करनी है, हम तीन चार होंगे तो कोई सुनेगा नहीं, हमारी कोई नहीं सुनने वाला है। अब सैमसंग वाले से बात करते हैं, वो कहते हैं जो आपने फीडबैक दिया उसको हम सेंड कर देंगे हमारी टीम के पास और फिर आपको जल्दी जल्दी आपके जो प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगी, तो हम ऐसे ये वो ऐसे कह देते हैं हमसे। बट अगर आप हर कोई उनके पास ऐसी बात करेगा, हर कोई चैट करेगा, अब हर किसी के सुनते रहेंगे वो कितने, मतलब कि जितने फीडबैक सेंड करते रहेंगे, जितने उनके पास फीडबैक जाएंगे उतने जो हमारे चांसेस है वो बढ़ते जाएंगे पाई अपडेट को लेकर। उस सैमसंग का यार अभी सोचता है अगर एक मेल दिखा चलो कोई नहीं यार ये तो कह रहा है, फिर दो दिखे चलो कोई नहीं, दो तीन ही तो हैं, चार पांच ही तो हैं, 8-10 ही तो हैं, ये संख्या हजारों में पहुंचेगी ना लाखों में पहुंचेगी, तो कहेगा हाँ यार लाख हैं, मतलब लाखों में है, अब यहाँ अगर नहीं दिया ना तो दिक्कत हो सकती है। तो आपको भी ये करना पड़ेगा, क्योंकि सैमसंग अब समझ नहीं रहा है, वो सोच रहा है कि कुछ बंदे ही हैं जो चाहते नहीं, सब भूल गए, सब सोचते हैं, सोच रहे हैं कि अब कोई ध्यान नहीं दे रहा यार पाई अपडेट को लेकर, सब ये सोच रहे हैं कि हमारे जैसा मैक्स अब खुद मिलेगा ही नहीं, सैमसंग ये सोच रहा है। बट यार अगर हम रियलाइज कराएंगे कि हमें चाहिए, हमें नेसेसरी है, हमें मतलब कंपनी चाहिए 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 चाहिए, तो वो यार ध्यान देगा, पक्का देगा। तो आपको ये काम करना पड़ेगा, अगर हम एक साथ मिलकर काम करते हैं तो शायद हमें बहुत जल्दी पाई का अपडेट देखने मिल सकता है, चांसेस हमारे बढ़ सकते हैं पाई का अपडेट को लेकर, चांसेस कुछ कुछ बच रहे हैं बट मुझे लगता मिलने वाला है, अगर आप इस काम को करते हो शायद चांसेस बढ़ जाएं। और आपको काम एक बढ़िया थिंकिंग में करना होगा, कुछ ऐसा नहीं है उसे बात करें गाली दे दी और ये बोल दे उल्टा सीधा, ऐसा कुछ नहीं भाई, सीधे एक नॉर्मल प्यार से बात करो, जितने प्यार से बात करोगे उससे पूछोगे क्या आप भैया कैसे हमें चाहिए नेसेसरी है बताओगे, तो वो शायद समझे बात को एंड कोशिश करें अपनी तरफ से पूरी पूरी आपको पाई का अपडेट प्रोवाइड कराएं। तो आपसे मैं कहना चाहूँगा एंड वीडियो लंबी हो जा रही है उसके लिए सॉरी, मैं आपको बता देता हूँ आपको कैसे बात करनी है सैमसंग वाले लोगों से। बहुत से लोगों को पता होगा, मुझे पता है बहुत से लोगों को पता होगा, बट फिर भी यार आप लोगों को पता है उसके लिए अच्छी बात है, तो जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर, दिखाता हूँ क्या करना पड़ेगा। गाइस आपके मोबाइल में एक एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल आई होगी जिसका नाम है सैमसंग मेंबर, आपको उस एप्लीकेशन में साइन वगैरह कर लेना है, अपना अकाउंट वकाउंट बना लेना है। जब आप अकाउंट वकाउंट बना लोगे तो आपके सामने एक जो इंटरफेस आएगा वो ऐसा आएगा, एक मिनट लोड हो रही है एप्लीकेशन, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, फर्स्ट पेज आएगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है गेट हेल्प पे, थोड़ा ध्यान देते रहना, यहाँ से आपको अपना डिवाइस ऐड कर लेना है,
जो आप पोजिशन मैक्स होगा उसको ऐड करने के बाद यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो कि कंडीशन कंडीशन कैसी है। पर आपकी जो मेन चीज़ आती है वो दो चीज़ें हैं, कॉल कस्टमर सर्विस एंड लाइव चैट। बट मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप लाइव चैट ही करें, क्योंकि कॉल वॉल पे दिक्कत सी आती है कुछ, वो जल्दी समझ नहीं पाते बात को, बात कह रहा हूँ बात को। बट आप लाइव चैट करोगे तो आपको उस टाइप करना पड़ेगा एंड ईजिली आप बात कर सकते हो। मैं ज़्यादा लाइव चैट ही करता रहता हूँ, कॉल वॉल तो मैं कभी कभार करता हूँ। जब आप लाइव चैट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने 1 मिनट एक पेज लोड होगा, उसमें आपको यार अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और अपना मोबाइल नंबर वगैरह देना पड़ेगा और सब कुछ यहाँ पर लागरी कर दीजिए। यहाँ पर आपको सब कुछ भर के फिर आपको एक ऑप्शन देगा स्टार्ट चैट का। जैसे आप स्टार्ट चैट पर क्लिक करोगे, स्टार्ट चैट पर क्लिक करोगे वैसे ही आपके सामने एक बोट आएगा, मतलब कि असिस्टेंट, ये कंप्यूटर वाला बात करेगा पहले आपसे, मतलब कंप्यूटर के जो होती है ना, गूगल बात करता है उनसे, गूगल असिस्टेंट होता है ऐसा कुछ, बात करेगा पहले, बोट करेगा बात। बट कह रहा हूँ, मतलब कि भट ही कहूँगा, बट आप कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछना जिससे वैसे वो जो बोट असिस्टेंट है वो फिर बात ना करे, ऑटोमेटिकली आपके सामने एक ह्यूमन असिस्टेंट आएगा जो कि होगा एक रियल बंदा, फिर आपसे रियल बंदा बात करना स्टार्ट कर देगा। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं ऊपर यार। आप फिर जो जब ह्यूमन असिस्टेंट आ जाए आप उससे बात करना, वो आपका अपना नाम वाम बताएगा एंड आप उससे बात करोगे तो आपको समझा भी देगा इजीली। तो आप ये काम करना, और अगर चाहते हो तो आप कॉल भी कर सकते हो, तो आप ऐसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो वह आज की डेट थी, मुझे पता है वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, बट यार क्या करूँ, बात ही ऐसी थी और मुझे वीडियो को ध्यान नहीं था मैंने इतनी लंबी होने दो, बट मैंने काफ़ी खींच के इतनी छोटी कर दी है, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत से लोगों ने स्किप कर दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, स्किप करने तो जिनको करनी थी और जिन्होंने पूरी देखी उनकी काफ़ी अच्छी बात है। तो गाइस आपको ये काम करना है, मैं आई होप आप इसका वो पक्का करोगे, डेफिनेटली करोगे, ज़्यादा कुछ नहीं है, 5-10 मिनट लगेंगे, आप प्लीज़ कर लेना। तो गाइस आज की डेट थी, अगर आपको वीडियो फ्रेंड लाइक कर देना, 100 लाइक टाइम रहता है हमारे वीडियो पर, प्लीज़ इस लाइक को कंप्लीट करवाना, क्योंकि आज तक मेरे 100 लाइक कभी किसी ने कंप्लीट कराया ही नहीं है। आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं रोजाना काफी मस्त वीडियो लाता रहता हूँ, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मैं आपसे मिलता हूँ उस वीडियो में, धन्यवाद धन्यवाद।